दोस्त हमारे साथ, इनको आपने पहली वीडियो में देखा होगा, और हमारा सफर है दुबई के लिए। दुबई में लैंडिंग हो गई है और अंधेरा हो रहा है। हम बेनियाज स्क्वायर के आसपास ही हैं, लीवाना होटल में रुके हैं। बड़ा हेक्टिक सफर रहा। हम आ गए हैं गोल्ड सोक में, और गोल्ड सोक जो है ये, अगर आप इसको घूमो तो इसका नाम बिल्कुल गलत नहीं है। एक एक किलो जो है सोना यहाँ पे डिस्प्ले में लगा हुआ है। और यहाँ पे जो पहले लोग आए, साउथ इंडियन ज्यादा आए, और यहाँ पे जो ज्यादा बिजनेस है साउथ इंडियंस का ही है। ये गोल्ड की चकाचौंध जो है कैमरे में आ नहीं रही है, इतना गोल्ड है। ये पूरे गोल्ड के सूट हैं, चेस्ट पे पहनेगा। इसे पहनने वाला किस तरीके से पहनेगा। ये जो गोल्ड का लेन देन है, या यहाँ पे जो शॉपर्स आते हैं वो शॉपिंग करते होंगे गोल्ड की, तभी इतना गोल्ड जो है इन्होंने डिस्प्ले में लगाया हुआ है। और ये इस तरीके के डिज़ाइन बनाए हुए हैं, तो इसका मतलब ये लोग जो है पहनते भी होंगे। ये देखो, ये पूरा स्ट्रीट जो है लास्ट तक जा रहा है। ये गोल्ड सोक का स्ट्रीट नंबर 2 है जिसके ऊपर हम हैं, और चारों तरफ जो है ये गोल्ड की दुकानें हैं। भाई ऐसा लगता है कि पहनता कौन होगा इनको। ये देखो कितने बड़े बड़े डिज़ाइन, वो सामने देखो। और ये हमारे दोस्त अकमल भाई आ रहे हैं हमें इस वक्त अमरिया पोर्ट पर, और दुबई में हमारा ये दूसरा दिन है। सुबह जो है नाश्ता करने के बाद हम लोग गए थे, एक काम था यहाँ पे, उसके लिए गए थे। तो वहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे पास में एक हैदराबादी बिरयानी वाला फेमस है, वहाँ पे आ गए। और ये अमरिया पोर्ट पर हम लोग बैठे हुए हैं इस वक्त। टैक्सी हमने बुक की है वापस डेरा ऑफिस जाने के लिए। ये जो हम बैठे हैं यहाँ पे, बस स्टॉप है ये। बस का वेट करने के लिए ये एसी केबिन बनाए गए हैं जिसमें हम बैठे हैं। और हमारे जो दोस्त हैं, हमारे ट्रैवलिंग पार्टनर अकमल भाई मेरे साथ, ये बस इनकी हेलो देख लिया करो आप ये हर वीडियो में हेलो करते हैं। तो जैसे जनवरी का महीना है तो दोपहर को तो ठीक ठाक गर्मी हो रही है, अगर पैदल चलते हैं तो। हमें थोड़ा पैदल चलना पड़ा तो अच्छी खासी गर्मी लगी। बस सर्विस के लिए बैठे थे यहाँ, लेकिन काफी टाइम हो गया बस। हमने सोचा कि बस में आप बैठेंगे, कुछ एक्सप्लोर करेंगे किस तरीके की बस होती है, क्योंकि हम दुबई तो बहुत बार आ चुके हैं लेकिन कभी अभी तक हम बस में नहीं बैठे। मेट्रो तो हमने अपनी पिछली विजिट में काफी दूर तक उसमें सफर किया था, लेकिन बस में नहीं हम बैठे। तो हम लोग बस का वेट कर रहे थे, और डेरा में हमारा होटल है, डेरा में हम रुके हुए हैं। तो वहाँ पे C15 बस नंबर जाएगी, एक घंटा में हो गया। तो हमने सोचा कि वो बस तो अभी शायद नहीं एक्सप्लोर हो पाएगी, टैक्सी से चलते हैं। लेट भी हो रहे हैं और लंच भी करना है। भाई हम लोग बस में चढ़ गए थे, कार्ड मेरे पास था सिर्फ एक, तो बस वाले ने बताया कि दोनों लोगों का अलग अलग कार्ड चाहिए, तो हम उससे अगले स्टॉप पे उतर गए। और हमारी टैक्सी भी आ गई है, रोड के उस साइड खड़ी हुई है, और क्रॉस करने का कोई इस पे रास्ता था नहीं। अब टैक्सी वाला हमारा वहाँ खड़ा है और हम यहाँ खड़े हैं। तो अब हमें वो टैक्सी कैंसिल करके दूसरी टैक्सी हमें करनी पड़ेगी। हम आ गए हैं दुबई के एक नए इलाके में, इस जगह को कहते हैं नाइफ। बहुत अच्छा शॉपिंग एरिया है, और अगर आपको सस्ती शॉपिंग करनी है, डेरा से भी ज़्यादा सस्ती शॉपिंग अगर आप करना चाहते हो, तो ये नाइफ का एरिया है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि मोबाइल फ़ोन, ग्रॉसरी, हर एक चीज़ बहुत सस्ती मिलती है। और आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि जो अरेबियन लेडीज़ हैं वो किस तरीके के डिज़ाइन के, या किस तरीके का उनका फैशन का कपड़ा है वो पहनती हैं। वो देखो आप सामने शॉप में ये सूट लगे हुए हैं, उस तरीके के ये लोग कपड़े पहनते हैं। और हम लोग आए हैं अरोस अल्दोहा, ये 40 साल पुरानी शॉप है। जब इस रोड पर एक भी शॉप नहीं होती थी, तब से ये शॉप जो है यहाँ पे है। और ये लोग अरेबियन लेडीज़ के जो कपड़े हैं वो स्टिच नहीं करते हैं, उन पर डिज़ाइनिंग है वो करके देते हैं। तो इसके जो ऑनर हैं, हम उनसे मिलते हैं। इस शॉप के ऑनर हैं परवेज साहब, और परवेज साहब बैठे हुए हैं हमारे दोस्त अकमल भाई के साथ।
और ये जो है आप देखिए इस तरीके के स्टोर होते हैं, और जो अरेबियन लेडीज हैं वो इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी या डिजाइनिंग पहनती हैं। देखिए ये अलग टाइप का है और ये पूरा मैक्सी टाइप होता है। ये जो आप वर्क देख रहे हैं ये वर्क करके यहाँ पे दिया जाता है, तो ये अलग अलग तरीके का वर्क आपको मिलेगा। ये इस तरीके का मैक्सी टाइप यहाँ पे पहना जाता है और इस पर ये डिफरेंट टाइप के जो है काम यहाँ पे कराए जाते हैं। ये सूट है जी, किस चीज़ का कलर 550 का वर्क है इसमें। और ये किस चीज़ का काम हुआ है? ये मशीन है, स्टोन वर्क है, हैंड वर्क है, तीन टाइप वर्क है, तीन बंदों के हाथ में जाके फिनिश हो। ये सारे यहाँ पे जितने भी सूट मिलते हैं वो सारे हैंड वर्क हैं, मिलते नहीं हैं यहाँ पे, ये लोग डिज़ाइन करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। ये जितने भी आप सूट देख रहे हैं ये सेल के लिए नहीं है, ये इनके क्लाइंट्स के हैं जो इनको दिख करके जाते हैं, फिर उनके चॉइस और उनकी पसंद के मुताबिक ये काम करके देते हैं। ये पूरा जो है एम्ब्रॉयडरी एरिया है, ये देखिए 40 साल पुरानी एक और शॉप, यहाँ पे थोड़ा सा क्लाइंट है इसलिए हम आए हैं, कस्टमर हैं, अंदर नहीं जा रहे। तो भाई ये नाइफ के एरिया में अगर किसी को देखना हो, जैसे हमारे यहाँ की साड़ियाँ मशहूर होती हैं इंडिया में, क्या देखा जाता है कि साड़ी एक से एक डिज़ाइनर, एक स्पेशलिटी है इंडिया की साड़ियाँ, बनारसी साड़ी हैं, गुजरात की साड़ियाँ हैं और बहुत अलग अलग तरीके की वैरायटी की साड़ियाँ होती हैं। तो यहाँ की जो वैरायटी है या यहाँ की जो स्पेशलिटी है वो ये है, यहाँ का जो ट्रेंड है या जो स्टाइल है वो इस तरीके के कपड़े हैं जो अरेबियन लेडीज जो है यहाँ पे पहनती है। भाई नया दिन शुरू हो गया हमारा दुबई में, आज है 16 जनवरी और हमें यूनियन मेट्रो स्टेशन पे, जनवरी का महीना है, तेज चिलचिलाती धूप लेकिन गर्मी नहीं लग रही है, अगर आप ज़्यादा वॉक करोगे तो गर्मी लगेगी आपको। तो हमें जाना है भाई शारजा, तो शारजा हमारे दोस्त रहते हैं, उनसे हम मिलने जा रहे हैं। और ये यूनियन, अभी तक मैं दुबई में जितना भी रहा हूँ मुझे बहुत अच्छी लोकेशन लगी है जहाँ पे इस वक्त मेरा होटल है, यूनियन मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 के पास कोई भी होटल आप मिलता है ले लो, बहुत ही बेहतरीन लोकेशन है, वॉकिंग डिस्टेंस पे मेट्रो स्टेशन है और ये चारों तरफ आप देखेंगे चारों तरफ होटल है, इधर ये मेरी बैक साइड में भी और ये इधर चारों तरफ ये होटल है, बड़े होटल भी हैं सस्ते होटल भी हैं। आप यूनियन मेट्रो स्टेशन से डिस्टेंस आप चेक करो booking.com पे और बहुत सस्ते सस्ते होटल भी हैं यहाँ पे, तो वो आप ले सकते हो और आपको दुबई घूमना हो जाएगा बहुत आसान, क्योंकि गेट नंबर 2 पे अब हम एंटर होने वाले। जैसे कि दुबई मॉल मशहूर है कुछ ना कुछ नया करने के लिए, तो इसमें जितनी बार भी आओ आप कोई ना कोई नई चीज़ मिलती है। तो ये जो एक नया शोरूम है यहाँ पर ओपन हुआ है, तो ये देखिए इसका एक्सटीरियर कैसा है, सब ग्लास, वॉल के ऊपर ग्लास लगाया गया और ये ज्वेलरी का शोरूम है, तो ये अलग ही टाइप का एक्सटीरियर है, इनका शोरूम जो है वो अलग ही दिखाई दे रहा है। दुबई का एक नया एरिया और हम अपने दोस्त के साथ हैं जो हमें यहाँ पे लेके आए हैं, समीर भाई, और ये यहाँ पे कॉरपोरेट बैंकिंग में है।
तो ये जो एरिया है यहाँ पे लोग चाय पीने के लिए आते हैं रात में। समीर भाई एरिया का नाम क्या है? करामा। ये करामा है। तो ये हमारे दोस्त दोनों खड़े हुए हैं जो हमें चाय पार्टी पे लेके आए हैं। तो ये यहाँ की चाय भाई आप बहुत फेमस है करामा में। अल हरा कैफेटेरिया पे अगर आप दुबई में आते हैं तो चाय ज़रूर पिए, बहुत अच्छी चाय होती है यहाँ की। तो भाई ये हमारी चाय आ गई अब, और इस चाय को यहाँ बोला जाता है क्या बताया आपने समीर भाई? डॉक्टर चाय या फिर डबल शॉट। डॉक्टर चाय, डबल शॉट चाय। तो इस चाय में अदरक भी है, हनी भी है, इलायची और वो सारी हर्ब्स डली हुई है। टेस्ट वही है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।